अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के तीन ऑप्शन पर गौर के लिए कौमी मालियाती कमीशन का इजलास पीर को तलब। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स जाबाह। सियासत नवाज शरीफ के बस की बात नहीं, कायम मिलीशा बर्फ पड़े, मियां साहब जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं, मंजूर बच्चों की कड़ी तनकीद। नवाज शरीफ का हुकूमत को अल्टीमेटम, तवानाई बहरान दो रोज में हल न होने पर एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया। मुल्तान में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए दो अफराद को रौंद डाला, एक शख्स जा भाग। और स्पेन में हुकूमत की मौसी पॉलिसियों के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, बजट में कटौतियों का फैसला वापस देने का मुतालबा। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम हस्ते हाल।